कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं। हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने भरपूर मिठाइयां, लड्डू, हलवे, कतली सब खाई है, बट वो हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर फिट रहे हैं। व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स आर सेइंग नो फॉर द घी। एक्चुअली ये कौन से घी को खाने से मना कर रहे हैं? चरित्र की नहीं, आज चित्र की बात होगी। मायसेल्फ कुलदीप जाजू एंड इन लास्ट वीडियो ऑफ माइन मैंने इन चारों घी के बारे में, वनस्पति घी, भैंस का घी, गाय का घी या फिर हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के घी के बारे में, उसके सोर्स के बारे में और उसके चरित्र के बारे में बात की थी। बट जो हमारा दिमाग है ना, वो तो लॉजिकल चीजों को मानता है। तो यस बॉस, आई एम हियर विद द 10 रीजंस कि आपको इस A2 घी को आपकी हेल्दी डाइट के प्लान के अंदर क्यों शामिल करना चाहिए। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीडियो। बट व्हाई दिस व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स आर सेइंग नो फॉर द घी। एक्चुअली ये कौन से घी को खाने से मना कर रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दे आर सेइंग नो फॉर द वनस्पति घी, दे आर सेइंग नो फॉर द बफेलो घी, दे आर सेइंग नो फॉर द जर्सी काउस घी। दे आर नॉट सेइंग No for the A2 ghee, because this A2 ghee has many more health benefits in fact. And yahi ghee khake to hamare baap dada, hamare purvaj, hamare nana nani, ye sare log itne swasth rahe the. Hamare shastra to iske bare mein bahut hi beautiful verse likhte hain. Yavat jivet sukham jivet rinam kratva ghratam pivet ghratam pritva sharam kratva rinam patyar pahet janah. मतलब इसका यह है कि जितना जीना है उतना सुख से जियो। अगर आपको ये A2 घी महंगा लगता है तो उसके लिए आप ऋण ले लो, बट आप इस A2 घी को जरूर पियो। ये A2 घी है ना, थोड़ा प्राइसी हमें लगता है, बट हम आज कर क्या रहे हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि इसे ऋण लेके भी अगर आपको पीना है तो आपको ये हेल्दी चॉइस आपकी लाइफ में करनी चाहिए। जबकि आज हम हमारे घर के लिए लोन लेते हैं, हमारी कार्स के लिए लोन लेते हैं, हम हमारी शॉपिंग हमारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बट बात जब हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने की आती है तो क्यों हम ऐसे सस्ते प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। वी हैव टू चूज अवर प्रोडक्ट्स वाइजली सो दैट वी कैन बी हेल्दी इन अवर लाइफ एंड हेल्थ विल गेट अस ए लॉट ऑफ वेल्थ एज वेल। बट बात फिर भी यही आती है कि क्या है ऐसा इस A2 घी के अंदर जिसकी वजह से ये इतना महंगा है। सो लेट्स गेट इन टू दीज 10 रीजंस वन बाई वन। नंबर वन के ऊपर आता है CLA, कॉन्जुकेटेड लिनोलिक एसिड। हमने अक्सर ये सुना है कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारी माताएं, बहनें एंड ऑल दीज गर्ल्स एंड वुमेन आउट देयर इन द सोसाइटी, वो यही सोचती है कि हम ज़्यादा घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। बट दिस A2 घी हैज CLA इन इट, विच इज द फास्टेस्ट फैट बर्निंग सप्लीमेंट इन दिस वर्ल्ड। सो अगर हम ये A2 घी खाएंगे तो हम मोटे नहीं होंगे, इनफैक्ट हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस फैट है वो फटाफट बर्न होने लगेगा। एंड इस दुनिया के अंदर 230 करोड़ लोग आर सफरिंग फ्रॉम दिस ओवरवेट। हर 3 में से 1 आदमी मोटापे से ग्रसित है। सो मोटापे के इस चक्रव्यूह से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको इस A2 घी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। 1 करोड़ पीपल एवरी ईयर डाई बिकॉज ऑफ द कैंसर, एंड ये जो CLA है, दिस वर्क्स एज एन एंटी कैंसरस इन द बॉडी, बिकॉज ये हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर को जन्म देने वाले फ्री रेडिकल्स है उन्हीं को खत्म कर देता है। सो दैट इज हाउ इट इज कंसीडर्ड एज एंटी कैंसरस, एंड दैट इज वाई वी मस्ट कीप This A2 ghee in all our healthy diet plans. Number 2 के ऊपर आता है butyric acid. All our health experts are always asking us to have fiber वाला food. क्योंकि ये जो fiber वाला food है ना, ये finally digest होने के बाद में हमारे शरीर के अंदर butyric acid को जन्म देता है, which helps in digestion of our food. एंड फाइनली ये हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखता है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। एंड दिस ब्यूटेरिक एसिड इज ऑलरेडी देयर इन दिस A2 घी। थर्ड नंबर के ऊपर आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो सबसे पहले हम इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है उसे समझ लेते हैं। 1 to 55 नंबर तक आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 56 to 69 नंबर तक आता है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड 69 एंड अबाव के ऊपर आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी फूड हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
जितने भी हमारे जंक फूड हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, केक्स एंड ऑल दीज थिंग्स इज कंसीडर्ड एज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। बहुत चमत्कारिक चीज जो ये ए टू घी करता है, ये हाई कार्ब वाले जितने भी फूड है इनके अंदर अगर इस ए टू घी को मिला दिया जाए तो ये उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो बना देता है एंड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने लगता है और हमारे डाइजेशन को इजी बना देता है फॉर ऑल दीज हाई कार्ब फूड। बट इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि आप ये सारे जंक फूड को ए टू घी के साथ खाना स्टार्ट कर दें। नो, हमारे तीज त्योहार जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारी मिठाइयों के बिना अधूरे होते हैं। तो ये जो हाई कार्ब्स वाली फूड है, जो मिठाइयां हैं, लड्डू है, जलेबी है, कतलियां हैं, इन सब को ए टू घी के अंदर बना के और फिर कंज्यूम कर लेने से हम कभी भी मोटे नहीं होंगे। एंड दैट इज हाउ पुराने जमाने में हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने भरपूर मिठाइयां, लड्डू, हलवे, कतली सब खाई है, बट वो हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर फिट रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सारी मिठाइयां जो है वो ए टू घी के अंदर बना के खाई है। तो वी मस्ट कंज्यूम ऑल दीज हाई कार्ब फूड्स विद ए टू घी। नंबर 4 के ऊपर आता है हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। दिस ए टू घी हैज 250 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मोक पॉइंट, विच इज हाईएस्ट इन द कैटेगरी। नो अदर ऑयल और घी मैचेस दिस। स्मोक पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर आके घी या ऑयल जो है उसके ऊपर के टेम्परेचर के ऊपर बर्न हो जाता है, अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू खो देता है। बट ए टू घी की विशेषता ये है कि वो अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं खोता है एंड आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं। वेयर एज आप किसी भी और ऑयल को अगर लें तो उसके अंदर दो बार गर्म होने की क्षमता नहीं होती, वो एक ही बार गर्म होता है और उसी के अंदर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज खत्म हो जाती है। बट घी को आप रीयूज कर सकते हैं एंड दिस हैज हाईएस्ट स्मोक पॉइंट एज वेल। नंबर 5 के ऊपर आता है गुड फैट। दिस ए टू घी हैज जीरो ट्रांस फैट एंड दिस हैज म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे शरीर के अंदर HDL, which is considered as smallest fat molecule in our body, उसकी संख्या को बढ़ा देता है and this has two-way functioning. ये हमारे शरीर के अंदर LDL and VDL, which is considered as bad cholesterol, bad fat in our body, उसकी संख्या को घटा देता है। This LDL and VDL are the major reason of all our heart issues. So, A to ghee को खाने से हमारा जो दिल है ना, वो हमसे खुश हो जाता है। Number 6 के ऊपर आता है potency and infertility. हमारी जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है, वो 700 करोड़ से 800 करोड़ पे पहुंचने के लिए हमें 12 साल लगे, but 800 से 900 करोड़ पे पहुंचने के लिए हमें 15 साल लग जाएंगे। 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी हमें 12 साल की जगह पे जहां 10 साल लगने चाहिए थे हमें 15 साल लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो पोटेंट और फर्टाइल इनफ नहीं है। हमारे एक साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी, उसके बारे में मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने 3 सेट ऑफ रैट्स को लिया और एक सेट को बफेलो का घी दिया गया, सेकेंड सेट को जर्सी गाय का घी दिया गया एंड थर्ड सेट को ए टू घी दिया गया। एंड इसके जो रिजल्ट्स थे वो चौंका देने वाले थे। रैट्स के अंदर जो बफेलो का घी खाने वाले और जो जर्सी गाय का घी खाने वाले थे उनकी 8th जनरेशन आई ही नहीं, दे बिकेम इम्पोर्टेंट एंड इनफर्टाइल। तो उसकी वजह से उनकी जो 8th जनरेशन है वो आ ही नहीं पाई, जबकि ऐसा ए टू घी के अंदर नहीं हुआ। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैप्ट ऑन कमिंग। सो अगर हम लोगों को हमारी फर्टिलिटी और हमारी पोटेंसी को कामयाब रखना है तो हमें इस ए टू घी को अपनी हेल्दी डाइट का प्लान के अंदर रखना चाहिए। नंबर 7 के ऊपर आता है ओमेगा 3, 6 एंड 9। ए टू घी हैज ऑल दीज। ये ओमेगा 3, 6 एंड 9 जो है वो हमारी गट हेल्थ को, हमारी हार्ट के हेल्थ को और हमारी न्यूरल हेल्थ को, तीनों को इम्प्रूव कर देता है। व्हेन आवर गट हेल्थ इज इन प्लेस तो हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारे न्यूरल हेल्थ को नरिश कर देता है, हमारे ब्रेन को नरिश कर देता है, जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। एंड व्हेन हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है तो उसकी वजह से हम हमारी डिसीजन पावर जो है उसको बढ़ा पाते हैं। हम नई नई भाषाओं को, नई नई चीजों को सीखने के अंदर सक्षम रहते हैं और
हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर और जो फोकस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है. एंड दैट इज वाई दिस ए टू घी हैज टू बी देयर इन योर हेल्दी डाइट प्लान. नंबर 8 के ऊपर आता है कैरोटीन. ये जो ए टू काउज होती है उनके पीठ के ऊपर जो कुंभड़ होता है उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी की वजह से वो यूनिवर्स की पावर को, उस सूर्य की पावर को अपने अंदर ग्रहण करती है और जो दूध देती है वो येलो इन कलर का होता है. एंड फाइनली इस दूध का जो सबसे कंडेंस्ड फॉर्म है डेट इज ए टू घी. एंड ये ए टू घी भी जो है ना वो येलो इन शेड का होता है. हमारे में जब भी विटामिन ए की कमी होती है तो डॉक्टर्स हमेशा हमें येलो कलर की चीजों के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि पपीता खाने के लिए बोलते हैं, गाजर खाने के लिए बोलते हैं. बट इस ए टू घी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कैरोटीन होता है. हमें इसका कंजम्पशन हमारे डेली रूटीन के अंदर करना चाहिए. इससे हमारे शरीर के अंदर कभी भी कैरोटीन की कमी नहीं होगी. हमारी आईसाइट जो है वो हमेशा टिमटिमाती हुई अच्छी बनी रहेगी. एंड इसीलिए आयुर्वेद के अंदर भी इसे चक्षु क्षय के नाम से बोला जाता है. नंबर 9 के ऊपर आता है रिच सोर्स ऑफ विटामिंस. दिस ए टू घी हैज B12, विटामिन ए, डी, ई एंड के. मोस्ट ऑफ वी एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन डी. अगर हमें हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखना है तो वी मस्ट हैव गुड नंबर ऑफ विटामिन B12 इन अवर गट्स. सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट यूज दिस ए टू घी. एंड अगर हमें हमारी हड्डियां मजबूत रखनी है, हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखनी है, हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है. एंड दैट इज आल्सो देयर इन दिस ए टू घी. लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 10 के ऊपर आता है सेरेब्रोसाइट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन दिस ए टू घी. हमारी जो मसल एंड ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेरेब्रोसाइट. ये हमारी सूक्ष्म बुद्धि का विकास कर देता है. ये जो काफ है ए टू काउस का, वो हजारों गायों के बीच में भी अगर उसे छोड़ें तो वो सीधा अपनी माँ के पास में जाता है. बट कैसे कैसे वो अपनी माँ को पहचानता है? इसी सेरेब्रोसाइड की वजह से. उसके अंदर वो सूक्ष्म बुद्धि होती है जिसकी वजह से वो सीधा हजारों गायों के अंदर अपनी माँ को पहचान के सीधा उसके पास में जाके उसका दूध पीने लगता है. ऐसा भैंस या जर्सी गाय के अंदर नहीं होता है. हमारे एक साइंटिस्ट ने ड्यूरिंग ए टेस्ट इसको बहुत अच्छे से प्रूव भी किया. उन्होंने 30 लोगों के ग्रुप को जो कि 40-60 ईयर्स की एज के थे, 90 डेज तक उन्हें 100 ml A2 मिल्क के साथ में 10 ml A2 घी को मिक्स करके उन्हें डेली दिया गया. एंड उनके 90 डेज के बाद के अंदर जो रिजल्ट्स थे वो चौंका देने वाले थे. उनका जो PGI मेमोरी लेवल था वो 47.62% से इंक्रीज हो गया. Yes, this is nothing less than a miracle. ये जो हमारे अंदर सूक्ष्म बुद्धि है जो कि हमें इन 84 लाख योनियों में से सिर्फ भगवान ने हमें दी है, उसके विकास की जो जिम्मेदारी है, उसको एनहांस करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी खुद की है. एंड विद दिस कंजम्पशन ऑफ ए टू घी हम लोग हमारी इस सूक्ष्म बुद्धि का विकास कर सकते हैं. इस हायर कॉन्शियसनेस को हम लोग हमारे अंदर अच्छे से बढ़ा सकते हैं. एंड फॉर दैट पर्पस दिस कंजम्पशन ऑफ ए टू घी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. एंड इसी वजह से आयुर्वेद के अंदर भी इसे मैद्य कहकर बुलाया गया है. और अगर हमें हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ब्रेनी चाहिए तो हमें हमारी जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन सब को कम से कम उनकी प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर ये ए टू घी जरूर देना चाहिए, क्योंकि 87% ऑफ अवर ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ओनली. एंड फॉर दैट पर्पस दिस ए टू घी प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जिससे हम उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, उस सूक्ष्म बुद्धि की तरफ हमारा विकास, हमारा एनहांसमेंट को जो है वो लेके आ पाए. दीज वर द 10 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस ए टू घी. एंड टू गिव यू अ हेल्दी किक स्टार्ट, आई एम गिविंग यू ए कूपन कोड KDJ15 टू गेट 15% ऑफ ऑन दिस ए टू घी. यू कैन गो टू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस राइट अवे. डू लेट मी नो दैट वॉट एल्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस ए टू घी. एंड मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारी सही जानकारियां ला के दे सकूं जो आप इस ए टू घी के बारे में जानना चाहते हैं. टिल देन स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपनी जिंदगी में मस्त रहो.